बदायूं जनपद के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कंट्रोल रूम खोलकर एक नई व्यवस्था लागू की है। पीड़ित व्यक्ति अपने घर पर बैठकर ही फोन पर अपनी समस्या बताकर नोट करा सकता है, तुरंत ही उसकी समस्या का समाधान होगा या फिर संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। आज बदायूं के दिनेश कुमार सिंह ने जिला कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को अब जिले के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वह अपने घर बैठकर ही जो कंट्रोल रूम के नंबर जारी किया है उस पर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता की शिकायत उसी विभाग के अधिकारी को भेजकर शिकायत का निस्तारण तुरंत ही कर दिया जाएगा या फिर अन्य विभाग की होगी तो 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। इस कंट्रोल रूम की शुरुआत होने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इस कंट्रोल रूम में जिले के उच्च अधिकारी तैनात रहे। बहुत दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है अपनी छोटी छोटी बातों के लिए। जब आते हैं तो उनका आने जाने पे किराए पे वेट होता है, उनका एक दिन समय खराब होता है, जो मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी के लिए कमा सकते थे 300-400 रुपए के नुकसान हो जाता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए छोटी छोटी बातों के लिए उसको यहाँ ना आना पड़े, वो अपने घर पर ही रह करके अपनी बात को यहाँ से बैठ के दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही उनका फोन आएगा, वो नंबर हमने यहाँ पर रख लिए कंट्रोल रूम में, उन नंबरों को हम व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे अखबार के माध्यमों से और सब गाँव में उनका नंबर लिखवा देंगे। इससे छोटी से छोटी शिकायत को अपना मोबाइल फोन से ही हमारे यहाँ नोट करा दें। शिकायत जैसे ही हम नोट करेंगे, अपने नीचे वाले कर्मचारी अधिकारी जो भी है तत्काल मौके पर भेजेंगे, लिखवाएंगे, कोशिश होगी कि उसी दिन की समस्या का हल हो जाए। अगर बड़ी समस्या होगी, टाइम लगना होगा, टीम बनानी होगी या उच्च अधिकारी को भेजना होगा तो उच्च अधिकारी को भेजेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य है कि हमारे जनता को अनावश्यक रूप से परेशानी अपनी शिकायतों के निस्तारण कराते हुए जो व्यय करने की होती है, जो समय खराब होता है, ये ना। और हमारा उद्देश्य जो है कि हमारे जो फील्ड लेवल कर्मचारी हैं, चाहे लेखपाल हों, चाहे पंचायत सचिव हों, चाहे रोजगार सेवक हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी हैं, चाहे आशा हैं, ये सब हमारे गांव स्तर पर कर्मचारी मौजूद हैं जो प्रतिदिन उनकी जिम्मेदारी भी गाँव में रहें।